उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया हो। दोस्तों मुझे मालूम है आज मेरा चेहरा बहुत ही बकवास लग रहा है और ये चीज़ मैं खुद एडमिट कर रही हूँ। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे घटिया से चेहरे के साथ बेयर कर लेना, क्योंकि सुबह मेरे को इतना काम होता है और रात को नाइट शिफ्ट की वजह से चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा है। बहुत मतलब मुझे भी आज ऐसा लग रहा है, तो मुझे पता है आप लोग बेयर कर लोगे। दोस्तों मैं आई हूँ दिल्ली, उदयपुर से आई हूँ दिल्ली, 2 दिन के लिए आई हूँ। यहाँ पे कुछ काम था, काम क्या था वो आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी, पर दिल्ली में मैंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गई, क्या क्या खाया, वो इस व्लॉग में आप लोगों को मिलेगा। बहुत सारी रेसिपी ऐसी थी ना दोस्तों जो मैं सोची थी मैं दिल्ली जाऊंगी ना तो मैं वो खाऊंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी तो वो खाऊंगी, तो वो सब रेसिपी मैंने इसमें शेयर की है। ज़रूर देखना व्लॉग, और व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। उसी के साथ दोस्तों थोड़ा सा वेट मैंने गेन कर लिया है जो कि मैं बाद में कम कर लूँगी, पर खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जो खाने का मन करेगा वो हम खाएंगे, वेट हम बाद में देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो देख लेते हैं, और ये वीडियो थोड़ा लेट आएगा, 2 दिन के बाद आएगा या 3 दिन के बाद आएगा, जैसे ही फ्री होंगी तो वीडियो ज़रूर डाल दूंगी। दोस्तों इस वाले व्लॉग की हमारी शुरुआत उदयपुर से होती है, उदयपुर से शुरुआत ही थी ख़तरनाक है ना, तो एंडिंग तो ख़तरनाक होने ही वाली है। तो इस वीक भी डाइट थोड़ी सी डगमगा गई, और आप सभी को पता है हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ मैं। तो यहाँ पे हम आए थे, बहुत ही शानदार जगह थी। इनकी जो सबसे बेस्ट बात मुझे लगी कि मुझे इनका मीनू बहुत अट्रैक्टिव लगा। इस तरह का मीनू होता है ना दोस्तों तो खाने का खुद से मन करने लगता है। उसके अलावा प्राइस भी बहुत ही अच्छा था, और जितना भी था स्नैक जो भी था बहुत ही टेस्टी था। तो यहाँ पे मैंने क्या ऑर्डर किया मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा, उसके साथ ऑर्डर किया था गार्लिक ब्रेड, उसके साथ ऑर्डर किया था फ्रेंच फ्राइज। इनका जो पिज़्ज़ा था बहुत ही चीज़ी था, तो अगर आप यहाँ उदयपुर के आसपास रहते तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर ट्राई करना, मैं नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। और फिर दोस्तों मैंने ट्राई किया था ये गार्लिक ब्रेड, गार्लिक ब्रेड बहुत ही चीज़ी था, और मेरे को ना तीखा बहुत पसंद है, तो अगर मैं इस तरह की कोई चीज़ लेती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं उसमें खूब सारा चिली फ्लेक्स, भर भर के चिली फ्लेक्स, भर भर के ऑरेगानो डालूँ, तभी मुझे उस चीज़ का स्वाद आता है। तो दोस्तों अब मैं निकल गई थी दिल्ली के लिए, तो दिल्ली में मैं थी यू फेज में जो कि आता है गुड़गांव में, तो गुड़गांव से मुझे जाना था सरोजनी। सरोजनी मुझे शॉपिंग के लिए नहीं जाना था, पर मुझे कुछ बेसिक चीज़ें लेनी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो यहाँ पे मुझे अच्छे से नहीं मिल रही थी। तो आप सभी को पता है सरोजनी कितना फेमस है लड़कियों के लिए, तो मैंने सोचा चलो यार विज़िट कर ही लेती हूँ। तो मुझे गुड़गांव से 3 मेट्रो बदलनी पड़ी। तो सबसे पहले तो मैंने ली थी सिकंदरापुरम के से, तो गुड़गांव में जो है रैपिड मेट्रो से मैं सिकंदरापुरम उतरी थी, तो ये हमारी फर्स्ट मेट्रो थी। तो यहाँ पे ये देखिए मैं उतर रही हूँ, और अब मैं जाऊँगी टूवर्ड फेस सेकंड, तो वहाँ से मुझे मिलेगी सेकंड मेट्रो जो कि मुझे दिल्ली हाट उतारेगी। अभी मुझे लग रहा है थोड़ी भीड़ कम है, पहले जब मैं आई थी तो बहुत गजब वाली भीड़ थी। अब यहाँ पे मेट्रो आएगी तो मेट्रो का वेट कर रही हूँ मैं, और इतनी गर्मी है ना यहाँ पे, क्या पता मैं उदयपुर से आई हूँ तो मुझे यहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। अब दोस्तों मैंने दूसरी मेट्रो ले ली है, और अब हम जाएंगे डायरेक्ट दिल्ली हाट, और इतना पसीना आ रहा है ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखिए दोस्तों ये दूसरी वाली मेट्रो से मैं डायरेक्ट सरोजनी के लिए उतरूँगी, तो ये आप देख ही सकते हैं, अगर मैंने कुछ गलत बताया तो आप मुझे बताइएगा। अच्छा दोस्तों ये देखो मेट्रो की हालत, जहाँ पे लोगों को कहा है नहीं बैठना है वहाँ पे भी दिल्ली के लोग बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली वाले लोगों की बुराई कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद दिल्ली बहुत टाइम तक रही हूँ और मुझे दिल्ली बहुत ही पसंद है, और मेरे फ्यूचर प्लान्स में भी यही है कि मैं दिल्ली सेटल होंगी। पर ये देखो मतलब ये इधर हमेशा रहता है, जब भी मैं मेट्रो में आऊँगी ना इतने सारे लोग बैठ जाएंगे, जबकि दिल्ली में जो मेट्रो है उनके बीच में ऐसा मतलब हर एक जो प्लेस है उसके बीच में क्रॉस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको उधर नहीं बैठना है। तो हम खुद से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर तो दिक्कत आएगी ना। तो आप देख ही सकते हो कितना
कितना मतलब ये लोग चिपक चिपक के बैठे हैं, तो मैंने तो प्रिफर किया कि मैं खड़े खड़े ही जाऊं। तो ये आ गया दिल्ली हांट, और जबरदस्त जगह है यार, कुछ भी बोलो। अभी मुझे लग रहा है कि हाँ मैं दिल्ली आई हूँ, थोड़ी भीड़ मुझे लगी मस्त वाली। तो यहाँ से दोस्तों हम डायरेक्ट आ गए हैं सरोजनी। अच्छा एक ये था कि मतलब है ना, मैंने ये चीज़ पहले भी गलती की थी और इस बार भी मैंने गलती की, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। कभी भी आप सरोजनी जाओ ना, तो आप कैश लेके जाना, क्योंकि हम ऑब्वियसली, जैसे मेरी आदत है, बहुत लोगों की आदत होगी कि हम ना आजकल गूगल पे करते हैं, तो सरोजनी में ऐसा गूगल पे वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो आप अगर जा रहे हो ना, तो आप कैश लेके ही जाना, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक बार कैश लेके नहीं गई थी। तो वहाँ पे एटीएम है, पर इतनी लंबी लाइन लगती है ना एटीएम के लिए, कि आपको खुद को फिर रिग्रेट होने लगता है कि यार हम कैश लेके क्यों नहीं गए। इस बारी भी दोस्तों मैंने यही गलती की, मुझे लगा कि यार क्या पता मतलब गूगल पे होगा, या मतलब मैं निकाल लूँगी, या भीड़ नहीं होगी। पर जो एटीएम वाली जगह होती ना, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, उस उधर भी मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ। एक तो मेरा आधा घंटा, तो मतलब मान लो 2 घंटा तो मेरा वहाँ पे सरोजनी पहुँचने पहुँचने लग गया, उसके बाद उससे कई ज़्यादा घंटा मेरा पैसे निकालने में लग गया। तो अगर आप जा रहे हो तो आप पैसे लेके जाना, और थोड़े कम भी मत लेके जाना, ज़्यादा लेके जाना, क्योंकि जितनी आप बजट लेके जाओगे ना, उससे डबल खर्चा ही हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, सरोजनी में मैंने खाया था छोले भटूरे, बहुत टाइम से काविंग हो रही थी इसकी, तो मैंने खाया। उसके बाद मेरे एक बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, तो उसके लिए मैं ये केक ऑर्डर कर रही थी, और वो मुझे एकदम पांडे के जैसा लगता है, तो मैंने उसके लिए पांडा केक ऑर्डर किया। ये दिखाती हूँ आपको, ये केक है हमारा। मन तो करता डोनट्स भी खा लूँ, पर बहुत ज़्यादा हो गया था, ये रहा केक। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। 2 दिन का टूर था, अब मैं अपने घर चली जाऊँगी, मतलब घर तो क्या, उदयपुर चली जाऊँगी, उसके बाद जोधपुर भी जाने वाली हूँ, उसका व्लॉग भी चल जाएगा। तब तक खुश रहना और बढ़िया रहना, बाय।